नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर सरा हटकर सिटी हलचल अब यूट्यूब के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामला उस समय का है जब अपनी बहन को लेकर जा रहे कार सवार मुजफ्फरनगर के शिवलाइन थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे के वहलना चौक से गुजर रहे थे, तो सामने खड़े कैंटर से उनकी गाड़ी टकरा गई, जिसमें कैंटर सवार दो युवकों की मौत हो गई। इसके अलावा वरना कार सवार एक महिला और एक युवक की भी इस सड़क हादसे में मौत हुई है। कुल मिलाकर बात करें तो इस सड़क हादसे में एक महिला सहित चार लोग मौत के गाल में समा गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया है। गुप्ता रिसोर्ट और ये बहलना कट है, इसके बीच में एक मेटाडोर डीसीएम मेटाडोर रोक के अपना टायर चेक कर रहा था। पीछे से तेज गति से एक वरना गाड़ी आई, जिसने अपना नियंत्रण खोके उसमें टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों को जिला चिकित्सालय व तीन लोगों को बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। जो दो मेडिकल जो जिला अस्पताल दो लोग गए हैं, उनकी मृत्यु की पुष्टि हो गई है। प्लस अभी भी पता चला है कि दो लोग और जो बेगराजपुर गए थे वो भी एक्सपायर हो गए हैं, एक घायल अवस्था में बेगराजपुर में भर्ती है। इस तरीके से अभी तक चार लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हो रही है। मौके पर पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई थी? तुरंत उपचार के लिए पुलिस ही मौके पर पहुंची, पुलिस ने उनको एडमिट कराया, पुलिस ही उनको ले गई। थाना सिविल लाइन, थाना मंशूरपुर, दोनों के थाना प्रभारी, पीआरवी, सभी लोग मौके पहुंचकर चौकी इंचार्ज, बैल, सभी लोगों ने मिलकर जो भी मानवीय आधार पर जो कर सकते थे मौके पर किया। घटना है जी, गाड़ी लाकर सर्विस रोड पर खड़ी करी है और ये लोग पीछे से गाड़ी लेकर आए, साइड से रगड़ती हुई है, दोनों बच्चे मार दिए। शायद ये ड्रिंक में है या एक इनके साथ लड़की है, कौन है उससे क्या संबंध है मालूम। गाड़ी इनकी भी खत्म हो गई है और हमारे दोनों बच्चे मार दिए इन लोगों। मैं गाँव देहरा है जी, हापुड़ में पड़ता हूँ। दो हमारा तो एक तो लड़का ख़त्म हुआ बैगराजपुर में और एक यहाँ है, एक उनका आदमी है यहाँ जो ड्राइविंग कर रहा था। हाँ, तीन लोग तो फिलहाल ख़त्म हो गए हैं। हमारे इन लोगों ने दोनों बच्चे मारे हैं। 200 की स्पीड से कम गाड़ी है, ज़्यादा भी हो सकती है मालूम है। और ड्रिंक तो जरूर करी हुई है क्योंकि उसके मुँह से झाग आ रहे हैं ड्राइवर के। साइड में खड़ी हुई गाड़ी में मारा, सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी है, कैंटर गाड़ी है हमारी, कोल्ड ड्रिंक की भरी हुई है। मैंने वहाँ जाके देखा तो एक लेडीज है, एक लड़का है जो मृत पाए गए। पुलिस बता रही थी कि शायद वहलना चौक के आसपास एक्सीडेंट हुआ है, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ आपको। और बाकी अभी तक दो है एम्बुलेंस में, एक लड़की है एक लड़का है, इससे ज़्यादा आपको पुलिस बताएगी। चार दिन पूर्व शाहपुर थाना क्षेत्र से मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने युवक की गला दबाकर हत्या की थी। दरअसल मृतक युवक ने शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुटबा निवासी युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसका युवती के भाई और मामा के लड़के विरोध कर रहे थे। वहीं युवती अपने मायके आई हुई थी, जिस पर युवक युवती को लेने के लिए घर आया, जहां अभियुक्तों ने युवक का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं युवती ने अपने भाइयों के विरुद्ध तहरीर देकर पति की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। 18/19 की रात्रि में एक कुटवा गांव की एक लड़की ने अपना ये थाने पहुंचकर ये एफआईआर लिखाई गई थी कि उसका पति जो कि उसकी मायके में आया हुआ था, वहां पर उसके सगे भाइयों ने, दो सगे भाइयों ने और दो मामा फुआ के लड़कों ने उसके पति का अपहरण कर लिया। और उन्हें ये भी आशंका जताई थी कि कहीं ऐसा ना हो उसकी हत्या कर दी जाए। इस पर पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर लिखकर कार्रवाई की गई और मृतक का शव गाँव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में जो कि कल्लू का था उसमें उससे बरामद किया गया। डेड बॉडी उसे मारकर उसके लगभग 5 फीट नीचे दबाई गई थी और उसमें पानी चला दिया गया था। इसके उपरांत अभियुक्तों की तलाश की गई और अभियुक्तों में से दो गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक जो लड़की है जिसने एफआईआर लिखाया था उसका सगा भाई है और एक उसके मामा का लड़का है। इसमें ये बात सामने आई है कि जो सोनिया नामक लड़की है जो की वादी है, उसने एक अंतर्जातीय विवाह बागपत एक लड़के से किया था और दोनों के दोनों पति पत्नी बॉम्बे में रह रहे थे, वो बॉम्बे में सर्विस करता था। कुछ दिनों पूर्व इसकी सोनिया की जो नौकरी थी वो लग गई थी और अमरोह में करने लगी थी। कुछ दिनों पूर्व ये शामली अटैच होकर आई और अपने जो मायका है उसमें रहने लगी। ये लड़का घटना के दिनांक को अपनी ससुराल में आया था और इनमें और उसके जो साले हैं
उनमें आपस में कुछ हॉट टॉक हुई लेकर, और उसी पर ये उसे उसका अपहरण करके ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी। यही इसका मेन मोटिव था। इनमें दो गिरफ्तारी हुई हैं और बाकी शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है। हाँ, इसमें एक लड़का शूटिंग करता है और अभी वो प्रोसेस में था आगे बढ़ने की। हत्या किस तरह की गई? हत्या अभी जो हत्या की गई वो गला दबाकर की गई थी, और गला दबाकर हत्या करने के उपरांत उसे जमीन में लगभग 5 फुट नीचे कर दिया गया था गन्ने के। जनपद सहारनपुर में डीआईजी जेल निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां अफसरों में पैर छूने की होड़ लग गई। शुक्रवार को डीआईजी जेल ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, लेकिन यहां भारतीय संस्कृति की एक झलक देखने को मिली। डीआईजी जेल के निरीक्षण करने के बाद जैसे ही वह लौटने लगे तो जेल अफसरों में डीआईजी के पैर छूने की होड़ लग गई। जेल अधिकारियों ने गाड़ी में बैठे डीआईजी के पैर छूकर चरण वंदना की। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हुआ तो जेल अफसरों को कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। आखिर डीआईजी जेल के पैर छूकर किस चीज का आशीर्वाद मांग रहे थे, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, वो रूटीन निरीक्षण था। महीने में 2 महीने में जब भी आता हूँ, जब तो निरीक्षण करता हूँ, उसमें क्योंकि सिपाही बहुत कम है, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना, अधिकारियों के साथ जेल में क्या व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और जो भी शासन के या आईजी के निर्देश है उनका अनुपालन हो रहा नहीं, उसका अनुपालन की आख्या देखना, इसी वजह से ये निरीक्षण होता है। शराब के नशे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में दिल्ली सहारनपुर रोड पर शराब पीकर बाइक चला रहे 2 लोग बाइक अनियंत्रित होने के कारण फिसल कर घायल हो गए। घायल लोग गंगाराम पुत्र मोहर सिंह, रामपाल पुत्र मलखान सिंह निवासी महावतपुर थाना बाबरी शामली हैं। दोनों घायलों को डायल 100 पुलिस ने थाना भवन CHC में भर्ती कराया, जहां दोनों को प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। ऐसा है, आज 2 बजे 2 व्यक्ति गंगाराम सनम मोहर सिंह, जो कि महावतपुर बाबरी के निवासी हैं, और एक इनके रिश्तेदार चाचा बता रहे रामपाल सनम मलखान सिंह, जो उत्तम नगर दिल्ली के निवासी हैं, ये दोनों बाइक में कहीं जा रहे थे और बाइक फिसलने से इनकी चोट आई है। इन लोगों ने हल्का सा शराब का सेवन भी किया हुआ है, क्योंकि हाथ पैरों में घिसड़ है चोट, इनको फर्स्ट एड दे दिया गया। तो कोई नहीं, खास इंजरी नहीं है, घिसड़ विसड़ है, लगी नहीं, पट्टी वट्टी बांध दी गई है। शामली जनपद के कांदला थाना इलाके में रालोद कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के PM इमरान खान का पुतला फूंका और विरोध प्रकट किया। पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा हिंदुस्तान के BSF के जवान का अपहरण के बाद पाकिस्तान की सीमा में ले जाकर बर्बरता से हत्या करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया, और भारत सरकार से शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित करने पर पाकिस्तान से बदला ली जाने की मांग की गई। दरअसल मामला कांदला थाना क्षेत्र के गांव डांगरोल का है, जहां पर RLD के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथ में पार्टी का झंडा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। BSF के भारतीय सैनिक नरेंद्र दहिया को पाकिस्तान सैनिक अगवा कर अपनी सीमा में ले गए और नरेंद्र दहिया की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रकट किया। पाकिस्तान के PM इमरान खान का पुतला फूंक कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। रालोद नेता राजेंद्र जावला के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि देश के PM नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा था कि अगर पाकिस्तान हमारे देश के एक जवान को शहीद करेगा तो उसके बदले में पाकिस्तान के 10 सर वापस लाएंगे। आखिर कब तक हमारे जवान पाकिस्तान की सीमा पर शहीद होते रहेंगे? आज देश के जवान शहीदों के साथ मजाक किया जा रहा है, हम लोग शहीदों के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अभी 3 दिन पहले भारतीय सेना के BSF का जवान नरेंद्र दहिया को बार-बार तरीके से हमारी सीमा पर से उठाकर अपनी पाकिस्तान सीमा के अंदर ले जाएगा 9 घंटे लगातार टॉर्चर किया गया, उसकी आंखें निकाली गई, उसके पैर काटे गए, उसको करंट लगा के बाद में उसके बार बार तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरीके से आज भारत के अंदर पूरा रोष उत्पन्न है। तो इसी मामले को लेके ये पुतला किसका फूंका? ये पाकिस्तान सरकार का पुतला फूंका हमने, इमरान खान का। हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाहते हैं इसमें। किस तरीके का इंसाफ चाहिए? मुंह तोड़ जवाब दे। जब मोदी जी सत्ता में आने से पहले वादा करते थे एक सर के बदले 10 सर लाए गए हम, तो आज मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी मौन है। आज शहीद हेमराज की पत्नी का भी 2 दिन पहले बयान आया था कि हमारा सिर नहीं आज तक वापस। मोदी जी बड़े बड़े वादे, लुभावने वादे करते थे सैनिकों के लिए, आज मोदी जी मौन है। छोटी छोटी बातों के लेकर ट्वीट करते थे मोदी जी, और आज मोदी जी शहीद नरेंद्र दहिया के परिजनों का मजाक उड़ा रही है, ना किसी प्रकार का राजनाथ जी, सुषमा स्वराज जी, आज मौन है बिल्कुल इस तरीके से। जनपद सहारनपुर के देवबंद के गाँव थितकी व मदीना कॉलोनी में योम आशूरा पर शिया सोगवारों ने
हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में नम आंखों के बीच निकाला मातमी जुलूस। जुलूस में शोकवारों ने अपने शरीर पर छुरियों, जंजीरों व कमां से मातम किया। शोकवार गमगीन माहौल में जुलूस को करबला तक लेकर गए, जहां ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। शिया शोकवार नमाज आशूरा अदा करने के लिए जंगल गए। नमाज के बाद यजीदों द्वारा करबला में शहीद किए गए हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार की याद में मातमी जुलूस निकाला गया। चाक की रेबा काले कपड़े पहने हुए शिया शोकवारों ने छुरियों, जंजीरों, कमां और तेज धार ब्लेडों से अपने शरीर को लहूलुहान करते हुए मातम किया। ये जुलूस मजलूम की हिमायत का नाम है, ये जुलूस नवासे रसूल की मदद का नाम है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सर कटाया है अपने असहाब के साथ, जो उन्हें कुर्बान किया है, वो अपने नाना का दीन बचाने के लिए कि मेरे नाना का दीन बच जाए, चाहे मेरा अकबर चला जाए, चाहे मेरा असगर चला जाए, चाहे कासिम चले जाए, ओनो मोहम्मद चले जाए, लेकिन मेरे नाना का दीन बच जाए। यहाँ तक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपनी बहन जानब की चादर कुर्बान कर दी, भाई को बाजू कलम करा लिए, अपने भतीजे का लाश पमाल करा लिया, इस वजह से कि ताकि ये दुनिया समझ ले कि हक क्या है और बातिल क्या है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। लिहाजा इमाम हुसैन को तीन दिन का भूखा प्यासा यजीद मलूम ने करबला के मैदान में शहीद करा दिया। उनकी इस शहादत को ये याद ताज़ा करने के लिए हम ये इंतजार। बुरकाजी के गांव सुवाहेड़ी मदरसा असरफिया में जमीयत उलमाए हिंद के जेरे निगरानी भारत स्काउट रोवर कैंप का समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता कारी मोहम्मद आरिफ काजमी बुरकाजी नगर अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा की गई। समारोह में मुख्य अतिथि कारी जाकिर हुसैन मगरीबी उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद ने स्काउट नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि स्काउट प्रेमी है, यह प्रेम सिखाता है, इसलिए हम सब इंसानियत का लिहाज रखें और हम सब के अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा खूब होना चाहिए। इस मौके पर मौलाना हफीजुर रहमान साहब जमीयत उलमा हिंद दिल्ली, मौलाना हुसैन अहमद कासमी जमीयत यूथ क्लब मुजफ्फरनगर, कारी मुकीम कासमी जमीयत यूथ मुजफ्फरनगर, कारी मुर्सलीन तुर्की, कारी जाबिर मोहतमीन मदरसा असरफिया सुवाहेड़ी, स्काउट ट्रेनर कमलेश सलीम इस्माइल व इकराम जुनेद आलम बागोवाली व सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मिशन ही समझिए इससे बड़ा मिशन और क्या होगा कि नौजवानों के अंदर जो आज अपने वक्त को जाए बर्बाद कर रहे हैं, ये खिदमत के जज्बे के साथ से और भाव के साथ देश में आगे बढ़ें, देश की तरक्की उत्थान के लिए, सामाजिक ताने बाने को जोड़ने के लिए ये अग्रणी भूमिका निभाएं, इसके लिए इनको ट्रेनिंग कराई जाए। आज रोवर की ट्रेनिंग सेंटर का ये समापन है, उसके लिए यहाँ आए। कुल कितने लोग हैं इनको? अभी 32 का ये ग्रुप है। कहाँ कहाँ पर चली चल रहा है ट्रेनिंग? ये हमारे 7 ज़िले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, 3 ज़िले राजस्थान के हैं, 5 ज़िले गुजरात के हैं। अभी इनमें शुरू किया है, देश के 16 जनपदों में शुरू हुआ है, अभी फिर आगे बढ़ाने का इसका इरादा है। आपको लगता है आप समय कुछ शायद मदद कर पाएंगे? बिल्कुल, पहले से कर रहे हैं, जब ट्रेनिंग लेंगे तो और ज़्यादा करेंगे। अच्छा, कितने दिन की ट्रेनिंग कराते हो आप? ये हमारी ट्रेनिंग तो ये भारत स्काउट एंड गाइड के जो नियम हैं, ये एक सरकार से संबंधित संस्था है। दुनिया के अक्सर मुल्कों में लोग काम करते हैं अपने अपने मुल्कों की संस्था बनाकर, उनका एक रूल्स है कि कितने दिन की ट्रेनिंग होनी है, उनके नियम के अनुसार हम चलते हैं और बच्चों को उसकी कोशिश करते हैं कि उन्हीं के नियम के अनुसार वो ट्रेनिंग करें। रोजे आशूरा पर शिया सोगवारों ने करबला के मैदान पर हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 सहाबाओं की कुर्बानी व उनकी शहादत की याद में ताजिए निकाले और मातम कर गम जाहिर किया। जनपद सहारनपुर के सभी इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस निकाले गए और सभी जुलूस एक बड़े जुलूस की शक्ल में करबला पर जाकर सम्पन्न हुए। शुक्रवार को रोजे आशूरा पर कस्बे में सभी इमाम बारगाहों में नगर की सभी मातमी अंजुमनों द्वारा मातम किया गया। आज के ही दिन यजीद के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 सहाबाओं ने जंग की थी, इस जंग में सभी शहीद हो गए थे। इसी कुर्बानी की याद में आज 10 मुहर्रम को नगर में शिया शोकवारों द्वारा ताजिए निकाले गए। नगर में सभी इमाम बारगाहों से अंजुमनों ने मातमी जुलूस निकाले। यह सभी जुलूस एक जगह एकत्र हुए, जहां सैकड़ों शिया शोकवारों ने दिल लरेज मातम किया। शनिवार को भोपाल रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने विद्यालय प्रांगण में सफाई की और सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को यह अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग की क्लास भी चलाई जाएगी, जिसमें छात्र छात्राओं को करियर से संबंधित टिप्स दिए जाएंगे। आज हमारे महाविद्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है और यह अभियान हर शनिवार को 12 बजे चला करेगा और स्वच्छता अभियान के तत्पश्चात
हमारे यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की क्लास हुआ करेगी। आज प्रतिस्पर्धात्मक युग में स्किल डेवलपमेंट की अति आवश्यकता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। इस स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम विद्यार्थियों में कम्पिटिटिव स्किल पैदा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम हर सब्जेक्ट की, विशेषकर इंग्लिश की, हिंदी की, मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर की वर्केबल नॉलेज विद्यार्थियों को देंगे, ताकि ये विद्यार्थी कंपटीशन में अपना अच्छा कर सकें, श्रेष्ठतम कर सकें और इनका चयन रोजगार के दृष्टिकोण से हो सके। इसी प्रयास के साथ हमने एक करियर काउंसलिंग का इस सत्र में शुरू किया है। यद्यपि ये कार्यक्रम हमारा पिछले वर्षों में निरंतर चल रहा है, इस सत्र का आज प्रारंभिक प्रथम दिवस है। तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो और विद्यार्थियों से हमारी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के यहाँ अपनी गणित की क्षमता में वृद्धि करें और यहाँ पर इंग्लिश इम्प्रूव करें अपनी, और कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित नॉलेज, जो भी नॉलेज उन्हें कंपटीशन के बारे में दी जाएगी उससे वो लाभान्वित होंगे। शनिवार को जानसर रोड स्थित एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फ्यूजन 2018 फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सुभाष चंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का जोरदार स्वागत किया गया। वही कार्यक्रम में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर SN चौहान ने सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कस्बा जानसर में ज्ञानेश्वर सेवा दल द्वारा निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मरीजों की आँखों का परीक्षण किया गया। वहीं कई मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन भी किए गए, जिसका समस्त खर्च संस्था द्वारा ही वहन किया गया। SD इंजीनियरिंग कॉलेज में आज फ्यूजन 2018 फ्रेशर पार्टी के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें आयुष के चेयरमैन माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी मुख्य अतिथि रहे। लगभग 350 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। हमारे डिप्लोमा और बीटेक में जो प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित छात्र छात्राएँ हैं, उन्हीं के स्वागतार्थ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे शहर से और भी गणमान्य लोग जैसे श्री राकेश कौशिक जी, तरुण गोयल जी, प्रदीप जैन जी, हमारे KG गुप्ता साहब और अन्य सभी प्रोफेसर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये बच्चों को, क्योंकि जो प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित बच्चे होते हैं, उन्हें संस्था के बारे में अधिक से अधिक सही जानकारी मिल सके और उनको एक तरह से संस्थान में अन्य बच्चों के साथ, जो सीनियर बच्चे हैं उनके साथ उनका संयोजन अच्छी तरह से हो, उनका मेल मिलाप बढ़े, तो उसी के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। जनपद सहारनपुर में पाकिस्तान की बार बार हरकतों पर देवबंदी उलेमाओं ने भारत सरकार से मांग की है कि अब पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ न मिलाया जाए, बल्कि अब समय आ गया है और ऐसा मौका है कि बिल्कुल खामोश न बैठे बल्कि पाकिस्तान को सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की हरकतों पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो हमारे देश की सरहदों पर जो हमारे सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको बार बार शहीद कर रहा है, एक तरफ तो पाकिस्तान माननीय प्रधानमंत्री से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी ओर हमारे मुल्क के सैनिकों को शहीद कर रहा है, इसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपने देश की हुकूमत से मांग करते हैं कि पाकिस्तान की दोस्ती के फैसले को ठुकराते हुए, पाकिस्तान की इन हरकतों को ध्यान में रखते हुए कि वह हमारे मुल्क के सैनिकों को शहीद कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान जो हमारे सरहद के ऊपर, जो हमारे हिंदुस्तान की फौज जो हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हुए लगी हुई है और पाकिस्तान बार बार उनको शहीद कर रहा है, एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ जो है हमारे मुल्क के सैनिकों को शहीद कर रहा है, जो हम इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हुकूमत हिंद से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान के दोस्ती के फैसले को बिल्कुल मुस्तरद करते हुए और पाकिस्तान की इस हरकत को मद्देनज़र रखते हुए कि वो हमारे मुल्क के सैनिकों को शहीद कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए इसके बारे में। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।